सरकार का बड़ा फैसला, थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया। दिल्ली में बाजारों को बंद करवाने की कार्रवाई में से व्यापारी नाराज, सीटीआई ने बुलाई व्यापारियों की महापंचायत। रायबरेली में पैतृक गांव पहुंचा शहीद का पार्थिव शरीर, लोगों ने शहीद को दी श्रद्धांजलि। विकास की राह पर ताजनगरी आगरा, ग्रेटर आगरा को बसाने की तैयारी पूरी। रायबरेली में बस से बदतर हुई गौशालाओं की हालत, गौशालाओं में तड़प तड़प कर मर रही गाय। करते हैं शुरुआत उत्तर प्रदेश की खास खबरों के साथ। रायबरेली में लालगंज क्षेत्र शहीद वायु सैनिक आकाश वाजपेयी का पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचा। कश्मीर में ड्यूटी के दौरान सड़क हादसे में जवान शहीद हो गए, वहीं आज पार्थिव शरीर के पैतृक गांव पहुंचने के बाद कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रशासनिक अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने सैनिक को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो कश्मीर में तैनाती के दौरान शहीद हुए, जिसके बाद पैतृक गांव उनके शहीद का शव भेजा गया। बता दें कि सैनिक आकाश वाजपेयी का पैतृक शरीर उनके गांव पहुंचा। ताजनगरी आगरा में सब कुछ नए बदलाव होने वाले हैं। विकास प्राधिकरण ताजनगरी को विकसित करने में लगा हुआ है। विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने कहा कि विकास के काम को आगे बढ़ाने के लिए तेजी से काम चल रहा है। शहर में इनर रिंग रोड को लखनऊ एक्सप्रेसवे के नजदीक बनाया जा रहा है। साथ ही विभाग के अधिकारी प्रोजेक्ट का स्थलीय निरीक्षण भी कर रहे हैं। विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि हम एक नया आगरा बसाने जा रहे हैं, जिसका नाम ग्रेटर आगरा है, जिसके लिए विकास प्राधिकरण ने 612 हेक्टेयर भूमि का चयन भी किया है। जो हम नया आगरा बसाने जा रहे हैं, जिसको एक टेंटेटिव नाम हमने ग्रेटर आगरा दिया है, उसके तहत कुल 612 हेक्टेयर जमीन का एक्विजिशन हो चुका है। एडीए के नाम भी है, अवार्ड होनी है। दूसरा लगभग 80 से 100 हेक्टेयर के बीच हम लैंड पुलिंग के अंदर लैंड लेके आ रहे हैं, जो बुढ़ाना और एतमादपुर मद्रा में है। तो उसी के तहत जो हमारी टीम है, इसके साथ में जो हमारे जितने भी सम्मानित यहाँ के नागरिक हैं जो या बिल्डर हैं जो आना चाहते हैं लैंड पुलिंग के अंदर, उनके साथ आज हमने विजिट किया, ताकि एक टेंटेटिव एक सरसरी निगाह से सबको पता लग सके कि वास्तव में ज़मीन किस जगह पर स्थित है, इसके भविष्य में क्या स्थिति होगी। तो आज बड़ा अच्छा रहा हमारा विजिट और सबको पसंद भी आई जगह। वही इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ संवाददाता अमित जुड़ चुके हैं। अमित, ग्रेटर आगरा जिसके लिए विकास प्राधिकरण ने 612 हेक्टेयर भूमि का चयन किया है, उसको लेकर अभी क्या अपडेट आ रही है, किस दिन से कार्य शुरू किया जाएगा? आगरा विकास प्राधिकरण भी आगरा के अंदर ग्रेटर आगरा के नाम से एक इंडस्ट्री एरिया विकसित करने जा रहा है, जिसके लिए कल से आगरा के जो पीसी हैं डॉक्टर एन के, उन्होंने कवायद भी शुरू कर दी है और नगर निगम के अधिकारियों के साथ में कल स्थिति निरीक्षण भी किया गया था, जिसके लिए 612 हेक्टेयर भूमि जो आगरा विकास प्राधिकरण के नाम में है और उस पर वहां पर वो ग्रेटर आगरा के नाम से एक इंडस्ट्री एरिया अपना विकसित करेंगे, जिसमें एयरपोर्ट होगा, स्टेडियम होगा और बाकी कई अन्य इंडस्ट्रीज भी होंगी, और जिसके लिए वहाँ कवायद करना शुरू कर दिया गया है। जी, विकास आगरा के विकास को नई राह देने की बात की जा रही है, तो इस विकास को लेकर जो विकसित किया जाएगा ग्रेटर नोएडा, उसमें क्या क्या चीजें अभी फिलहाल क्या रोड मैप तैयार किया गया है इसको लेकर? जी मैं आपको बता दूं, बिल्कुल जिस तरीके से अभी तो वहाँ कोई भी
इस तरीके की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है, लेकिन कल वो जो भूमि उन्होंने अपने लिए आवंटित की गई है उसका निरीक्षण किया गया था और अभी उस पर अभी काम करने के लिए काफी टाइम लग सकता है। अभी जैसे बात करें कि आगरा शहर की, तो आगरा शहर में जिस तरीके से विकास प्राधिकरण पर लगातार आरोप लगते हुए आए हैं, कभी किसानों को लेकर, कभी मंदिर प्रकरण में लेकर, उस तरीके से वहां भी जहां कल निरीक्षण किया गया था और भूमि पर भी कई जगह किसानों ने अपना आत्मा कर रखा है, तो संभव नहीं है कि जल्दी उस पर काम शुरू हो सके। और वहां जब इनका वहाँ कल का जो दौरा था उस समय भी वह किसानों के द्वारा इनका विरोध भी किया गया था। किसानों का कहना यह है कि काफी समय से हम इस भूमि को यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे थे, और लेकिन अचानक आगरा जैसे प्राधिकरण आकर वहाँ ये कहता है कि हम यहाँ अपना ग्रेटर आगरा बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं इससे अभी इसको शुरू करने से पहले काफी अभी आगरा जैसे प्राधिकरण को विरोध का भी सामना करना पड़ेगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बुलंदशहर के थाना अनूप शहर में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल एक महीने की बच्चे को इन अपहरणकर्ताओं ने गिरफ्तार कर लिया था। टीकाकरण के बहाने से उसका अपहरण करते हुए अपने साथ ले गए थे। टीकाकरण से पहले महिला ने बच्चे को लेकर उसके परिजनों से पूछताछ भी की। इस दौरान इसके बाद महिला अपने साथी के साथ मिलकर बच्चे को लेकर फरार हो गई। उन्होंने बताया पूरी घटना के बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस एक्टिव हुई है और टीमों का गठन करते हुए पुलिस ने कुछ ही घंटे के अंदर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब पकड़े गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। आज राम डुमरा जोगी थाना अनूप शहर में दोपहर करीब 2 बजे एक महिला एवं एक पुरुष गाड़ी से गांव में आए और एवं टीका लगाने के बहाने से उन्होंने एक माह के बच्चे को लेकर चले गए। इस संबंध में अभियोग थाने अनूप शहर पर पंजीकृत कर लिया गया है एवं 5 टीमें गठित कर घटना के निवारण के लिए सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। आज थाना अनूप शहर के डूंगरा जोगी गाँव में एक संजीव शर्मा के 1.25 महीने के बच्चे का दोपहर में लगभग 2 बजे के आसपास कुछ लोगों द्वारा अपहरण कर लिया गया था। लगातार हमारी कई टीमों ने अथक प्रयास किया और इस प्रयास के बाद फलतः लगभग आधे घंटे पहले 10:30 बजे के आसपास बच्चे की सकुशल बरामदगी। आगरा के थानाबाद क्षेत्र में जमीनी विवाद में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। इस मारपीट में एक पक्ष के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए CSC केंद्र में भर्ती करा दिया है। इसी के साथ पुलिस के सामने दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर गंभीर रूप आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बंदायू जनपद में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी के बाद पत्नी ने पति को तलाक देकर अपने ससुर के साथ शादी कर ली। पूर्व पति की शिकायत पर पुलिस दोनों को पकड़ कर ले गई, लेकिन कोर्ट में हुई शादी के पक्के सबूत यानी कागजों पर लगी कानून की मोहर देखकर उन्हें छोड़ दिया गया। दरअसल इस मामले में शादी के वक्त पति नाबालिग था, वो अपनी मर्जी से ससुर के साथ गई। बता दे दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली है। मामले का खुलासा इस तरह हुआ कि दपतोरी चौकी क्षेत्र में एक युवक ने कुछ दिन पहले बसौली पुलिस से शिकायत की थी और जब ये मामला पुलिस तक पहुंचा तभी से ये चर्चा का विषय बना हुआ है। गौ संरक्षण की बात पर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। रायबरेली से करोड़ों रुपए के अनुदान के बावजूद गौशालाओं में भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है। प्रशासन और आला अधिकारियों की लापरवाही साफ देखी जा सकती है कि गौशालाओं में गौवंश के लिए ना तो खाना है और ना ही उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। जानकारी मिली है कि गौशालाओं में तड़प तड़प कर गाय मर रही है, उनकी देखरेख के लिए कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति मौजूद नहीं है। आलम यह है कि मृत गायों पर पक्षी बैठ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि गौशालाओं की इस बदहाली का जिम्मेदार कौन है। तो गौशालाओं की बद से बदतर हालत को देखकर लगातार ये सवाल उठते हैं कि गौशालाओं की देखरेख का जिम्मेदार कौन है, जब लाख दावे किए जाते हैं। तो वहीं इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ ओम शंकर जुड़ चुके हैं, संवाददाता ओम शंकर। मैं आपसे आना चाहती हूं, किस तरह की बदहाली देखने को मिली जब आप यहां का निरीक्षण करने पहुंचे थे? बदहाली इतनी ज्यादा दुर्दशा है यहां पर गायों की कि कहते नहीं बन रहा है।
गाय मरी पड़ी हुई है, कोई देखने वाला नहीं, ना चारा है, ना पानी है, ना दवाएं हैं, ना कोई डॉक्टर कभी जाता, यहाँ तक कि जो गाय मर जाती हैं उनके अंतिम संस्कार की भी कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पर। और जबकि ताजुब की बात है, रायबरेली के भारतीय जनता पार्टी के MLC और भारतीय जनता पार्टी के ही उनके भाई अवधेश सिंह जी जिला पंचायत अध्यक्ष, उन्होंने ही इस गौशाला का उद्घाटन किया था, उसके बावजूद जो है कोई भी पुरसाहार लेने वाला नहीं है। बिल्कुल ओमशंकर, इस तरह की लापरवाही लगातार उजागर होती रही, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बार फिर आपने रायबरेली की तस्वीर देखी जहां पे किस कदर गौवंश मृत पाए जाते हैं और उनकी देखरेख करने वाला कोई भी नहीं होता है। बुलंदशहर के थाना सयाना के पास चांदपुर पुंठी क्षेत्र में जंगल से युवक का शव बरामद हुआ है। युवक का शव मिलते ही ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस की टीम को दी। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं युवक की मौत की जानकारी मिलते ही परिवार वालों में हड़कंप मच गया। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमीरपुर के राठ कोतवाली में महिला के साथ उसके रिश्तेदार ने दुष्कर्म किया, इसके बाद पीड़िता मामले की शिकायत करने के लिए थाने पहुंची। बता दें कि न्याय की मांग को लेकर महिला थाने पहुंची, लेकिन पुलिस महिला को न्याय दिलाने में नाकाम साबित हुई। पुलिस को न्याय ना मिलने पर वो SP के पास अपनी समस्या लेकर पहुंची। यहाँ SP ने पीड़िता की परेशानी को सुनते हुए आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऐसा दावा किया है। शाजापुर के खुदागंज थाना क्षेत्र में DJ पर डांस करते हुए दबंगों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अवैध असलहे के साथ दबंग जमकर डांस करते दिखाई दे रहे हैं। DJ पर डांस करते हुए इन दबंगों के साथ कई और लोग भी मौजूद हैं। इस तरह से गाने की थाप और हाथों में असलहा लिए ये दबंग बिना किसी खौफ के नाचते हुए नजर आ रहे हैं। थाना रायबरेली के थाना भदोखर क्षेत्र में सिंचाई विभाग के गैर जिम्मेदाराना रवैये से किसान काफी ज्यादा परेशान है। किसान की परेशानी की मेन वजह सैकड़ों बीघा फसल का जलमग्न है। शारदा नहर में हुए कटान से सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हुई है। सैकड़ों किसानों के फसल जलमग्न होने से कई लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। किसानों का कहना है कि जिला प्रशासन का कोई भी अधिकारी उनकी मदद के लिए नहीं पहुंचा है। RSS प्रमुख मोहन भागवत के DNA वाले बयान पर सियासत शुरू हो गई है। कुछ लोग मोहन भागवत की तरफ से बोल रहे हैं, वहीं कुछ लोग उनके इस बयान पर हमला भी कर रहे हैं। वहीं सहारनपुर के देवबंदी उलेमा ने मोहन भागवत के बयान पर सराहना की है। उन्होंने कहा है कि मोहन भागवत केंद्र और राज्य सरकारों से ये मांग करें कि भीड़ हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाए जाए। देखिए, भागवत जी का जो बयान आया है लिंचिंग को लेकर के, जो लिंचिंग करने वाले हैं वो हिंदुत्व नहीं है, तो भागवत जी का यह बयान बड़ा ही अच्छा बयान है और बड़ी ही अच्छी सोच है। लेकिन हम साथ साथ में भागवत जी से ये भी मांग करते हैं कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ पर भी लिंचिंग हुई है या लिंचिंग हो रही है, ऐसे लोगों के खिलाफ भागवत जी को चाहिए कि केंद्र सरकार और UP सरकार से मांग करें कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लिंचिंग करने वालों की जो है आए दिन हौसला अफजाई होती रहती है और आपने देखा होगा कि वो वीडियो बनाकर और उसको सोशल मीडिया पर भी जारी करते हैं। तो भागवत जी अगर केंद्र सरकार और UP सरकार से इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे तो मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार और UP सरकार तुरंत एक्शन में आएगी। और ऐसे लोग शाहजहांपुर में नकली सीमेंट फैक्ट्री पर STF बरेली की टीम ने छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान टीम के हाथ बड़ी सफलता लगी है। STF के साथ पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। बता दें कि कैन थाना क्षेत्र के जमौर इंडस्ट्रियल एरिया में सीमेंट फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। इसी के साथ फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी और लेबर को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। STF बरेली और जनपद पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर एक्शन लेते हुए उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं।
जौनपुर में आज भी एक बुजुर्ग दंपत्ति सरकारी सुविधाओं की राह देख रहा है। बुजुर्ग दंपत्ति के पास अब आशियाना ना होने की वजह से वो सड़क किनारे कपड़े की दीवार बनाकर सूखे पेड़ के नीचे रहने को मजबूर है। केराकत के मीरपुर देवकली में सड़क के किनारे कमला प्रसाद विश्वकर्मा अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। अपनी बीमार पत्नी के साथ रह रहे हैं ये लोग। आज भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में है। अपनी आजीविका के लिए ये लोग गाँव वालों के कहने पर लोहे और लकड़ी के छोटे छोटे सामान बनाते हैं और उसी से मिलने वाले 10-20 रुपए में अपना जीवन बिता रहे हैं। लेकिन इन लोगों का आज तक किसी भी विधायक और अधिकारी ने कोई भी सुध नहीं ली, ना ही मदद के लिए पहुंचे। इस धरती माँ की बोल वीरों के भगवान कहा ऐसे सज्जन के हमारे पास भेज दिए कि हमारा दुख कट गया, मिले न मिले, लेकिन इतना आपके बातों से हमको बहुत आनंद आया, हमारा दुख कट गया। बहुत समस्या, आँख से ना लौकत है, गोर से ना सही हैला, और लड़का बच्चा भी ना है। अब ये 10-20 मिली तो ये बट्टी चोखा बनावल जाए, जौन दिन ना मिला तो दिन वैसे भूखे मरा कि हम प्रधान के मुंह पर कह देंगे, प्रधान से कहें तो कहें कि तुम्हें कॉलोनी नहीं। अररिया के अचीतमत कोतवाली में एक युवक ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। जानकारी मिली कि प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने पिता को मौत के घाट उतारा। वही घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। यहां घटनास्थल की घेराबंदी करते हुए पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसी के साथ पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। ना ये भाई है कि मंदिर पर त्रिशूल गढ़ा था, मतलब और 2-3-4 दिन पहले से इनकी खोचड़ होती थी। किसकी किसकी? बाप में और बेटा में। क्या नाम है इनके? अरविंद। और बेटे का नाम? समान शिवम। फिर क्या हुआ? सर उसने मतलब जब उसने वो त्रिशूल मार दिया तब मतलब आवाज़ दी हमको कि इसने हमको त्रिशूल मार दिया लड़की ने, तो हम मतलब उठ के जग। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।